High octane developments are taking place at the Ramlila Maidan in New Delhi, where the India bloc is set to display the biggest show of opposition unity. A mega Loktantra Bachao rally is expected to kickstart against the arrest of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and the income tax notices that have been served to the Congress Party, the TMC, the CPI and the CPIM. Opposition top brass, including AICC President Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Samajwadi Party, Supreme Akhilesh Yadav, Tejaswi Yadav, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Sitaram Yechury are all expected to show up at the rally very shortly. Meanwhile, Sunita Kejriwal, wife of Arvind Kejriwal, and Kalpana Soren will be participating in the rally as well. Large posters are on display. Supporters, workers and politicians have started arriving at the Ramlila Maidan. Elaborate security arrangements have also been put in place. ये इस वक्त दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं. पंजाब के साथ ही तो रात को ही खुले मैदान के नीचे सोए हैं. अलग अलग गुरुद्वारों में, सरायों में उन्होंने जगह ली है. इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता थे सब लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे वो सीताराम येचुरी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, सब लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं. और राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं. हम सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं, मगर वो सब लोग आज हमारे साथ खड़े हैं और हमारी लड़ाई में लड़ाई लड़ रहे हैं. ऐतिहासिक मैदान है, लगभग यहीं से आम आदमी पार्टी तरीके से शुरू हुई थी. देखिए, देश के सभी बड़े बड़े आंदोलन, देश के सभी बड़े बड़े आंदोलन ऐतिहासिक रामलीला मैदान से शुरू हुए, इसलिए यहाँ से आज शुरुआत कर रहे हैं. मैं पुनः कह रहा हूँ, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं. और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा. टुडेज रैली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रैली. इट टेक्स प्लेस इन दिल्ली, द नेशनल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. दिस रैली टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर मिस्टर केजरीवाल. अर्लियर द Chief Minister of Jharkhand was forced to step down. He was arrested. Now the sitting Chief Minister has been arrested. Such things are happening. In the meantime, all central agencies are used against the opposition parties in order to cripple their activities, in order to intimidate their leaders. देखिए, ये तो मैसेज पहले से है. जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में है. लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है, संस्थाओं को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है. इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो खैर भ्रष्टाचार के विषय में कुछ बचा ही नहीं. सीधे सीधे दिखा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया और कहां कहां उनको किस तरीके का पैसा मिला. लेकिन जो अभी त्वरित रूप से जिस कारण से इस रैली को बुलाया गया है, वो जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपनी संस्थाओं के साथ ये लोकतंत्र को दबाने की, उसके गला घोटने की कोशिश करेंगे, उसके जो अभी रूप निकल के आ रहे हैं. भाई, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता. रामराज कहाँ है? आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर दिए, लेकिन रामराज तो नहीं आया. ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, ये अब जनता को समझ में आ गया है. इसी का प्रोटेस्ट है. मैम, लगता है इस रैली का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. जैसे लोकप्रिय नेताओं को सलाखों के पीछे रखने की जो साजिश है वो नाकाम. देखिए, तमाम लोग जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में रही तो यह देश, यह संविधान, यह लोकतंत्र नहीं बचेगा, और बिल्कुल इसी का एक उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया. विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनको छोड़कर, सोरेन साहब की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना, जो और वो भी बेबुनियाद गिरफ्तारी करना, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का सबूत है. उसी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हक और इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली और देश के लोग इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं.
And I go across to my colleague Shubh Rana, who joins us from the Ramlila Maidan. Shubh, take us around. What's really happening at the rally right now? Yes, of course, Devika, I would like to show you the visuals here, because you can see the stage is being setting up. As you can see, Aam Aadmi Party leaders Atishi have been there on stage, wherever you'll see Kuldeep Kumar, MLA, is on stage. Gopal Rai is being sitting on stage. Saurabh Bhardwaj, and you know, along with big ministers of Aam Aadmi Party, are on the stage. And you know, because Aam Aadmi Party is the one who is organizing this Maharally, and Aam Aadmi Party is taking care of all the preparations. And under the banner of Tana Shahi Hatao, Lok Tantra Bachao, this Maharally is being organized. And you can see Saurabh Bhardwaj checking all the technical things, and he's on the dais. And you can see the Aam Aadmi Party posters are here, and Devika, I would like to show you the visuals here. As you can see, the whole Ramlali Maidan is being fully prepared and being fully set, you know, for this Maharally. And you can see the posters of Arvind Kejriwal on at this Ramlila Maidan. And Devika, it is interesting to note that this is the Ramlila Maidan where in 2011 Arvind Kejriwal's party was born, and this is the same Ramlila Maidan where in 2024 we can see the protest, the rally has been going on for Arvind Kejriwal's ED's detention. And you know, I would like to show you the visuals here, because continuously stage have been set up by the Aam Aadmi Party, and we were in conversation with Saurabh Bhardwaj, where he have said that a clear message is being given to the ruling party that we are not scared of you. And you know, after a few minutes from now, Sunita will arrive with Kejriwal's message to the entire nation. And as you can see, Saurabh Bhardwaj is on the dais for a tech check, and Aam Aadmi Party big candidates are on the stage. And soon after, you know, Rahul Gandhi is about to arrive, Mallikarjun Kharge is about to arrive. And as you can see the visuals here, you know, there is a big Maharally being organized, and people and the public which have gathered here is dressed as yellow, as the color code for Arvind Kejriwal's ED's detention. This is the current Bahar. Saurabh Bhardwaj has started speaking right now, and you know, people are full with enthusiasm. Yes, back to you, Devika. Right, absolutely. Shubh, stay on with us. We will go across to some more reactions that have in fact come in on the mega rally today. Listen in. देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है एजेंसीज का यूज कर, आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी बताए, वो बता देंगे ईडी वो संस्था है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरे देश से युवाएं, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस रैली में अपना शामिल होने के लिए और भाजपा सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। परिवार का मतलब ही वो नहीं समझे। परिवार जैसे सिर्फ मेरा परिवार करके कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारी लेने की बात होती है। परिवार की जिम्मेदारी लो, मेरा परिवार, जैसे मैंने कहा, मैं जब मुख्यमंत्री था और उस वक्त काम करते हुए कोरोना की आपत्ति आई थी, तो मैंने एक संकल्पना दी थी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो सिर्फ मेरा परिवार, मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आया। संविधान के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, तानाशाही जो हो रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कोई सबूत नहीं है,
उसके खिलाफ विरोध जताने के लिए आज महागठबंधन की रैली है, उसके लिए मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, देखते क्या होता है। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है सर कि ये जो है केजरीवाल जी के खिलाफ पक्ष में है, उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि किसी भी केंद्रित व्यक्ति के रैली नहीं है बल्कि इंडिया ब्लॉक की एक रैली है, तो ये दोनों पार्टीज के बीच में क्या ये मनभेद किस तरीके का है? नहीं, कोई मनभेद या मतभेद नहीं है हमारे इंडिया ब्लॉक में। अभी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा किस तरह के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं कि उससे आपको पता लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी रैली होने दो तब आपको ज्यादा। हरदीप सिंह, कुछ अवर डेमोक्रेसी द रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दिस अब्यूसिव एक्टिविटीज अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स लाइक केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनोज। सो इन द मिडस्ट ऑफ election campaign we are gathering here to condemn Modi's government activities against the constitution. BJP government having afraid of election, definitely people of India will throw away them from the regime so that they are doing this kind of activities. Being a part of India Bloc, I am coming here to attend this protest. The Indi opposition meeting happening in Delhi today is not a political gathering but a Alibaba and a 40 chore meetup, where the only objective is to devise a strategy how to do corruption and how to loot India. The Congress in the rally must explain how come the same Congress which is a complainant in the liquor scam seeking Kejriwal's arrest and investigation against him is today holding a rally objecting to the arrest of Arvind Kejriwal. At the same time, Aam Aadmi Party's political desperation and frustration is evident, where it is sharing a stage with RJD when Kejriwal called Lalu Prasad Yadav ji corrupt, sharing stage with Congress which Aam Aadmi Party called corrupt on daily basis. The voter of 2024 is seeing that the glue which holds NDA together is love for the nation, service for the nation, and whereas the glue which holds this Indi together is love for the corrupt and love for the corruption. देखिए, जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए उसके अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल हों, उनको इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये सब हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक तरीके से मौकरी है। उसके खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो है सड़कों पे उतरे हैं, आज रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं, और इस रैली में जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम कांग्रेस के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, वहीं इंडिया घटक के नेता भी जो है इस लोकतंत्र की लड़ाई में अपनी अपनी आहुति देंगे। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है, भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज इस तानाशाही को खत्म होने के लिए करने के लिए पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आज मकसद है इस देश से तानाशाही को खत्म करना। सर, एलजी साहब कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चल सकती है, सर वो प्रेशर बना रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं सरकार वहीं से चलती है, यही हमारा संविधान कहता है। बीजेपी, देखिए जो हमने शुरू में कहा था कि ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये आंदोलन किसके समर्थन में है?
जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके समर्थन के लिए ये एकजुट हुए हैं और ये देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और इसका परिणाम जनता देगी जब 4 जून को परिणाम आएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.